बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर महंत धीरेंद्र शास्त्री ने हाल ही में साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल मच गया था। दरअसल उन्होंने कहा था कि साईं बाबा संत तो हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता। साथ ही कहा कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। वहीं उनके इस बयान के बाद काफी ज्यादा खलबली मच गई थी। साथ ही इस बात से साईं बाबा के भक्तों की भावनाएं आहत हुई और उनसे माफी मांगने की बात कही। वैसे अब इस पूरे मामले में जनहित टाइम्स के संवाददाता ने लोगों से बातचीत करी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस बार फिर दोबारा चर्चाओं में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साईं बाबा को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद से ही उनका जगह जगह पर विरोध हो रहा है। तो चलते हैं जनता के बीच और जानेंगे कि जनता की धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम नारायण गोस्वामी है। अच्छा, ये बताइए, एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दिया, उन्होंने कहा कि वो तो फकीर थे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है, किसी के प्रति ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी सबकी किसी न किसी से आस्थाएँ जुड़ी रहती हैं। ठीक है, उन्होंने जैसे किस हिसाब से बोला है, वैसे ऐसे उनको इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े शास्त्री हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। कोई भी है, चाहे कोई साई को मानता है, कोई भोले को मानता है, कोई किसी को भी मानता है। अब हमारे हिंदू समाज में, हमारे भारत देश में सभी को सभी मानते हैं। ज़्यादातर भोले में भी, भोले बाबा के को भी मानते हैं, वो पीर पे भी जाते हैं, जैसा जिसकी भावना है, जिससे जुड़ाव है। लेकिन डायरेक्टली किसी को इस प्रकार इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए कि भाई आप ऐसे हो कि वो हैं, ये उचित नहीं है ये सर ऐसा करना। बहरहाल उन्होंने जब देखा कि चारों तरफ उनका विरोध हो रहा है, तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी। हाँ देखो, माफ़ी मांगी है, सही है, मांगना भी चाहिए, गलती हुई है तो मांगने में कोई इसमें शर्म नहीं है। अब देखो, उन्होंने किस हिसाब से कहा है ये तो नहीं है पता है, लेकिन कहा गलत है। ऐसा नहीं है कि उनके साईं बाबा से जुड़े हुए बहुत लोगों का है, एक नहीं, दस नहीं, लाखों करोड़ों में लोगों का आस्था और जुड़ी हुई है। जी भैया, क्या नाम है आपका? संजय। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने साईं बाबा को लेकर एक बयान दिया था कि वो तो फकीर है, तो इस पर क्या कहेंगे? फकीर तो है नहीं, लेकिन बाबा को मानते तो सभी हैं, सभी अपने अपने भगवान को मानते हैं, बाबा को सभी मानते हैं, तो बयान दो एक दूसरे पर नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से देखते हैं आप, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया। मेरा नाम संजीव कुमार। अच्छा संजीव जी, ये बताइए, एक धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बयान दिया था कि साई बाबा को लेकर विवादित बयान दिया था, बहरहाल उसके बाद जब उन्होंने देखा कि विरोध हो रहा है, तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी, तो क्या कहेंगे इस पर? देखो, ये सबकी अपनी अपनी आस्था है, साई बाबा को सब लोग भगवान मानते हैं, हम भी भगवान मानते हैं, और रही धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात, देखो गलती इंसान से होती है, उन्होंने अपनी गलती पर माफ़ी मांग ली। कहीं ना कहीं आप मानते हैं गलती उन्होंने मांगी? देखो, उन्होंने गलती करी है, अगर वो गलती नहीं करते तो वो माफ़ी नहीं मांगते। अगर उन्होंने माफ़ी मांगी, इसका मतलब उन्होंने गलती करी, तो जब उन्होंने गलती करी और उसकी माफ़ी मांग ली, तो उस पर लोगों को वो नहीं करना चाहिए, कमेंट्स करने नहीं चाहिए। अगर वो गलती नहीं मानते तो उसके लिए फिर सबको वो करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री भाई एक इंसान, आम इंसान ही तो है, गलती इंसान से ही होती है। सबके अपने में राय हो सकती है, उसमें क्या है, अगर साईं बाबा को नहीं मानना तो पहले से नहीं मानते ना, लोग साईं बाबा को शुरू से मानते आ रहे हैं। मैं क्या, मेरे पापा क्या, उनके पापा क्या, सभी जानते हैं साईं बाबा को। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी आए हैं, तो अपनी तरफ से वो बोलने सही है, सब अपनी राय हो सकती है, पर मेरा मानना है कि अगर आप किसी को मान रहे हो, तो उसको आपने जब मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति लगा दी है, तो उसको आप हटा नहीं सकते हो बार बार, सही है ना भाई? अगर आपको हटा नहीं है तो उसको मानो मत ना पहले। अब जिस तरह से उन्होंने बयान दिया धीरेन्द्र शास्त्री जी ने साईं बाबा को लेकर, वो उसे किस तरीके से देखते हैं? देखो, सब लोग का अलग अलग सोचने का तरीका अलग है, बोलने का, समझने का तरीका अलग है। मेरा मानना है, देखो, लोगों को जो अपनी आस्था है वो अपने हिसाब से चलनी चाहिए, वो उनकी आस्था है, भगवान सब हैं, सबको मानना चाहिए। देखो, साईं बाबा भी हैं, वो अपने अलग हैं, मतलब कि ये नहीं कह सकते कि वो है या नहीं है। हम शुरू से मानते आ रहे हैं कि हमारे हिसाब से तो साईं बाबा है, क्योंकि हम साईं बाबा की शुरू से पूजा करते आ रहे हैं। अच्छा, कब से आप साईं बाबा के भक्त हैं, कब से? मैं तो काफ़ी टाइम हो गया, बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं साईं बाबा को, साईं बाबा को काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, कम से कम 20 साल तो मेरे को साईं बाबा को साईंपन है। हमारे यहाँ गाजियाबाद का निर्जन पर मैं वहाँ जाता हूँ, शुरू से अपनी वाइफ के साथ जाता था मैं,
अब यहाँ पे साईं बाबा है। पहले साईं बाबा नहीं थे मंदिरों में, अब साईं बाबा बीच में इतना प्रचलन हुआ कि लोगों ने साईं बाबा की हर मंदिर में मूर्ति लगा दी। अब साईं बाबा को फिर धीरे धीरे अब जैसे खाटू श्याम जी हर मंदिर में आ रहे हैं तो सब अलग लोग क्या है, लोग देखा देख ज़्यादा चलते हैं। कितनी आस्था मानते हैं साईं बाबा से? साईं बाबा में पूरी आस्था, जैसे हमारे भगवान कृष्ण भगवान है, श्री राम भगवान, हम इन्हीं का अवतार मानते हैं, इनको भी जो भी मनोकामना मांगते हैं सब पूरी होती है। देखो मनोकामना तो ये, देखो हम अपने पापा से बोल सकते हैं पापा मेरे को ये चीज़ चाहिए, सही है ना, अगर उनकी सहमत होगा उसे उन्हें लगता है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है तो मिल जाती है, और जिस चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है वो हमें भगवान नहीं देते, ये है ना। अब हम भगवान से कहने लगे कि मेरे को सोना खाना तो भगवान कह देंगे, समझे, सोने को पहन तो सकते हैं ना भगवान, हर कर्म होता है भगवान, भगवान से आप कुछ चीज़ मांगो तो भगवान सब चीज़ देते हैं, पर श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए आपकी, भाई कर्म तो करना पड़ता है ना, मैं भगवान के सामने पूरे दिन खड़ा रहूँ, ये बाहर भिखारी बैठे रहते हैं पूरे दिन बैठे, ऐसा नहीं होता, आदमी कर्म के हिसाब से मिलता है। हाँ ये है कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि साईं बाबा नहीं है, मानना है नहीं मानना है, तो हम अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से, साईं बाबा के हिसाब से नहीं, मतलब कि लोगों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से साईं बाबा को मानना चाहिए। मैं ये मानता हूँ साईं बाबा भगवान है या नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ कि जो है ये भी भगवान का एक रूप है, बस ये है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो साईं बाबा को लेके अपना बयान दिया है वो बहुत ही गलत है, उन वो इतने बड़े सामाजिक महंत हैं, उन्हें ये सब बयान नहीं देने चाहिए थे अपने अपने, हर लोगों की अपनी आस्था है, किसी की साईं भगवान को लेके है, किसी को हनुमान जी को लेके है, किसी की दुर्गा माता को लेके है, तो ये सब जो बयान वो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, देने के बाद फिर बैकफुट पर आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा आप साईं बाबा के कब से भक्त हैं, कितनी आस्था साईं बाबा? बहुत समय हो गया साईं बाबा की पूजा करते हुए हमें, और जबकि हनुमान जी महाराज की पूजा कर रहे हैं जबकि वो हनुमान जी महाराज को इतना मानते हैं, तो ये सारे बयान देने बिल्कुल व्यर्थ है। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी खुद एक बाबा हैं बागेश्वर धाम के, वो इस तरीके का बयान देंगे तो फिर? तो ये गलत है बिल्कुल, उन्हें तो ये सब बयान वो जो दे रहे हैं आजकल ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, कहाँ तो उनके मंदिर में चमत्कार होते हैं, सारे भूत प्रेत भक्त हैं, दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है, एक एक साल दो दो साल लग जाते हैं नंबर नहीं आता, और उसके बाद वो ये सब बयान देने लग रहे हैं, तो ये गलत है बिल्कुल सर, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा सुशीला। अच्छा कब से आप बाबा के भक्त हैं साईं बाबा के? 25 साल हो गए मुझे। अच्छा हाँ 25 साल से मैं फूल लगा रही हूँ, 25 साल से ही हूँ मैं भक्त यहाँ, ये साईं बाबा तो पहले से चले आ रहे हैं तो हम तो मानेंगे उन्हें। कितनी आस्था मानती हैं साईं बाबा में आप? मैं तो बहुत मानती हूँ भैया। अच्छा हाँ हमारा तो सब परिवार मानता है, जितने हम फूल वाले सभी मानते हैं। अच्छा जो भी मनोकामना मानते हैं वो पूरी होती है? हाँ होती है पूरी। अच्छा एक बाबा हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दिया है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो वो तो गलत है, ये कहना नहीं चाहिए किसी के लिए भी, ये गलत बात है उनकी, ये तो पुरानी चल रही आ रही है भगवान की, हमारी रीति तो ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए, भगवान के साथ में जो भगवान हमारी रोजी रोटी दे रहे हैं सब कुछ हमें दे रहे हैं, खाना पीना सब कुछ हमारा इनसे चल रहा है। उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी, जब लोगों ने विरोध करा तो उन्होंने माफ़ी मांगी फिर? हाँ बयान हाँ सही बात है, गलती करी है तो उन्होंने माफ़ी मांगेंगे, वो ना गलती करते तो क्यों मांगते वो माफ़ी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रेम चोपड़ा। अच्छा कब से भक्त हैं आप साईं बाबा के? हम तो शुरू से ही है भैया, जब से साईं बाबा का जब से वो हुआ है, जब से इनकी मान्यता हुई है, मान्यता भी नहीं काफ़ी सालों से, बहुत सालों से। अच्छा साईं बाबा को तो वैसे ही कहना है कि सबका मालिक एक है, यानी हम तो यही मानते सबका मालिक एक है, उनका भी कहना यही है, महादेव से बड़ा कोई है, यानी श्री राम से बड़ा कोई है। अच्छा उन्होंने एक बयान भी दिया है धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम वाले, कि साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दिया है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यानी ये तो लोगों ने धर्म बांट दिया जैसे भी, लेकिन मालिक तो एक ही सबका, यानी उनको बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? देखना क्या है, देखो हमें तो किसी से जो भी बोले हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो इतना पता है बस ईश्वर हमारे लिए सब कुछ है, क्या महादेव से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है, यानी साईं बाबा भी अपनी जगह ठीक है, ऐसी बात नहीं है, साईं बाबा को अब माने तो हो गई, तो साईं बाबा को बहुत लोग मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, देखना है तो वहाँ जाके देखो तुम सीढ़ी में, यानी बताए जाते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं वहाँ पे, कोई जात विजाति वाला सिस्टम ही नहीं वहाँ पे। तो अलग अलग लोगों से हमने बात की, अलग अलग लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दिया था वो गलत है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था होती है, कोई आस्था भगवान श्री राम में रखता है, कोई आस्था महादेव में रखता है, तो सबकी अलग अलग रास्ताएँ हैं, और जो धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया उसको लोग कहीं ना कहीं गलत करार देते हैं। बहरहाल
जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने देखा कि उनका विरोध प्रदर्शन उनका हो रहा है, जोरदार उनका विरोध हो रहा है, तो उन्होंने अपने बयान से वो पलटते हुए नजर आया और उन्होंने माफ़ी मांगी। सोनू खान, जनहित टाइम, गाज़ियाबाद।